हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट, टुडे इज आई विल टीच यू इंग्लिश. सो टेक आउट योर इंग्लिश बुक. सभी बच्चे इंग्लिश की बुक ओपन करेंगे. तो बेटा, हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे इंग्लिश में. आई यूज़ माय वर्ड्स. सेकंड पैराग्राफ तक बेटा हो गया था. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्ड पैराग्राफ. ओके, सभी बच्चे मेरे साथ ही पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं. Goodness, I am happy. It makes me want to run and go wild and act all crazy until the day is done. Instead, I use my words and then we can all have fun. फिर से देखिए बेटा. Goodness, I am happy. It makes me want to run. Means अच्छाई, मैं खुश हूँ या मुझे चलाना चाहता है. एंड गो वाइल्ड एंड एक्ट ऑल क्रेजी. और क्या कहता है? जंगल जाओ और सभी पागल काम करो. अनटिल द डे इज डन मीन जब तक कि दिन पूरा ना हो जाता है. इंस्टेड आई यूज माई वर्ड्स. इसके बजाय मैं अपने शब्दों का प्रयोग करता हूँ. इंस्टेड मीन्स इसके बजाय मैं अपने शब्दों का उपयोग करता हूँ. एंड देन वी कैन ऑल हैव फन. और फिर हम सभी मजे कर सकते हैं. ओके बेटा. फोर्थ पैराग्राफ. व्हेन माई फीलिंग्स गेट टू स्ट्रॉन्ग मीन्स जब मेरी भावनाएं बहुत मजबूत हो जाती हैं. आई नो इट इज़ टाइम टू से. तो मुझे पता है कि यह कहने का समय है. आई विल यूज़ माई वर्ड्स टू सो How I feel means मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करूँगा कि मैं in a safe and healthy way कि कैसा महसूस करता हूँ सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से. समझ में आया सभी बच्चों को? लास्ट वाला फिर से देखो बेटा. When my feelings get too strong जब मेरी भावनाएं बहुत मजबूत हो जाती हैं तो आई नो इट इज़ टाइम टू से. तो मुझे पता चलता है कि यह कहने का समय है. आई विल यूज़ माई वर्ड्स टू सो हाउ आई फील. मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करूँगा कि मैं कैसा महसूस करता हूँ इन अ सेफ एंड हेल्दी वे. मीन्स मैं कैसा महसूस करता हूँ कि सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से. इन अ सेफ एंड हेल्दी वे, सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से. आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पोएट क्या कह रहा है, अपनी फीलिंग्स के बारे में क्या बता रहा है. ओके, तो आज हम लोग बेटा क्या स्टार्ट करेंगे? वर्ड मीनिंग. ओके, अब हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे इस चैप्टर में. चैप्टर 7 डालेंगे कॉपी पर बेटा और चैप्टर का नेम राइट करेंगे, वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे. ओके, कॉपी पर. चलिए देखते हैं बेटा. मीन की मीनिंग क्या होगी? एंग्री एंड रूड. एंग्री मीन्स क्या होता है बेटा? क्रोध. और अशिष्टता. रूड मीन्स रूडली कोई बात करे, मीन्स अशिष्टता. एंग्री मीन्स गुस्सा. लेट द एंगर आउट, एक्सप्रेस द एंगर मीन्स गुस्से को व्यक्त करें. एक्सप्रेस द एंगर, गुस्से को व्यक्त करना. ओके, मेड मीन्स बेटा क्या होता है? पागल. एंग्री मीन्स गुस्सा. पाउच मीन्स क्या होता है बेटा? आपको मैंने भी बताया था, पाउच जैसे कोई मुंह बनाता है तो क्या पाउच. पुश द बॉटम लिप आउट मीन्स नीचे के ओठ को बाहर ढकेलना. मीन्स पुश द बॉटम लिप आउट. पाउच का मीनिंग पुश द बॉटम लिप आउट. वाइन की मीनिंग बेटा क्या होगी? कंप्लेन मीन्स शिकायत. विम्पर की मीनिंग टू मेक लो क्राइंग साउंड व्हेन अपसेट मीन्स क्या होता है बेटा? परेशान होने पर रोने की आवाज़ कम करना. ओके, बिम्पर मीन्स बेटा बताया था मैंने, रिरियाना भी होता है. बिम्पर मीन्स रिरियाना. स्निफिल मीन्स होता है स्निफ वाइल्ड क्राइंग मीन्स रोते समय सूंघना, तेज आवाज़ के साथ रोने. स्निफ मीन्स सूंघना. ओके, रोते समय सूंघना. सॉफ की मीनिंग टू क्राई विथ अ लाउड साउंड. ओके, मीन्स तेज आवाज़ के साथ रोने के लिए साउंड करना. टू क्राई विथ अ लाउड साउंड. साई मीन्स टू गिव आउट अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना. साई मीन्स साहें भरना. डे इज डन, डे इज ओवर मीन्स दिन खत्म हो गया.
समझ में आया सभी बच्चों को? अपनी कॉपी पर वर्ड मीनिंग नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सभी बच्चे राइट करेंगे, ओके क्लास, और लर्न भी करेंगे। आपका आज का होमवर्क यही है बेटा, ओके। थैंक यू क्लास, हैव अ ग्रेट डे।